हाय दोस्तों, फरींस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ साबुदाना वड़ा विद चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साबुदाना वड़ा विद चटनी। सबसे पहले हम साबुदाना वड़ा का मिश्रण रेडी कर लेंगे। उसके लिए ले लिया मैंने साबुदाना, 2 कप साबुदाना लिया मैंने। इसे अच्छे से धो के भिगो के रखा था 3 घंटे के लिए। अच्छे से भीग चुके हैं, देखिए ये अच्छे से मैश हो रहे हैं। अब डालेंगे इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपको जितना तीखा चाहिए वड़ा उस हिसाब से आप हरी मिर्च डालिए। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये मूंगफली, इसे मैंने भून के छिलका हटा के पीस लिया है दरदरा सा, 3 टेबलस्पून भर कर है ये। हरा धनिया 3 टेबलस्पून भर कर बारीक कटा हुआ। और ये आलू, इसे मैंने बॉईल करके छिलका हटा लिया है। इसे हम ग्रेट करके डालेंगे ग्रेटर से। आलू मैश करके डालने से वड़े फट जाते हैं, चंक्स रह जाते हैं आलू के, इसलिए दोनों आलू हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब इसे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए साइड में, तब तक हम बना लेंगे चटनी। ये मैंने ले लिया दही, 1 कप दही लिया है मैंने फैट के लिए अच्छे से। इसे इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ कुकुम्बर, इसका मैंने छिलका हटा लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसे ग्रेट किया है। अब डालेंगे इसमें हम हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को मैंने कूट के लिया है। आपको जितनी तीखी चाहिए चटनी उस हिसाब से आप हरी मिर्च डालिए। 2 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मूंगफली, इसका मैंने छिलका हटा के इसे कूट लिया है, 2 टेबलस्पून भर के लिया है इसे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मीठा कम या ज़्यादा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून से भी कम है ये। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे आप थोड़ा सा पानी हम इसमें। ये चटनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है और ना ज़्यादा पतली होती है। इस तरह से आपको चटनी की थिकनेस रखनी है। खट्टी मीठी तीखी चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है साबुदाने वड़े के साथ खाने वाली। 10 मिनट बाद मैंने ले लिया है वड़े का मिश्रण। दोनों हाथों में हल्का सा तेल लगा लिया है। आपको वड़े जितने छोटे या बड़े चाहिए उस हिसाब से आप पोर्शन लीजिए वड़े का। और इस तरह से आप वड़े असेंबल करिए। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। 1 प्लेट में रख देंगे हम बनाकर। इसी तरह से हम सारे वड़े बना लेंगे। बहुत इजी होता है साबुदाना वड़ा बनाना। इसी तरह से हम सारे वड़ों को असेंबल कर लेंगे। अब करेंगे इसे हम फ्राई। गैस ऑन कर लिया मैंने, तेल गरम करने के लिए रख दिया है। 1-1 वड़ा हम इसमें डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। हम सारे वड़ों को बैचेस में फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पे हमें इसलिए वड़ों को फ्राई करना है क्योंकि ऊपर से ये तुरंत फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसे स्लो फ्लेम पे घुमाते घुमाते फ्राई करना है अच्छे से। लाइट गोल्डन होने तक और क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए इस तरह से चम्मच चलाते रहिए वरना एक दूसरे में ये चिपक जाएंगे। पलट लेंगे हम इसके साइड्स को। केयरफुली आपको पलटना है वरना तेल के छींटे उड़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब निकाल लेंगे हम वड़ों को।
इसी तरह से हमें सारे वड़ों को फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन होने तक और क्रिस्पी होने तक। साबुदाना वड़ा विथ चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, खाने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।